डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीडी सर। आज के इस वीडियो में, लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी आईएससी ने एमसीक्यूज का सेमेस्टर वन का पेपर रिलीज किया है, स्पेसिमेन उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें से देख लीजिए, मैक्सिमम जो यहाँ पर मार्क्स हैं वो 80 हैं। टाइम अलॉटेड आपके पास अलाउड जो मिलेगा 1.5 आवर्स मिलेगा, मीन्स 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। 15 मिनट एज यूजल जैसा आईएससी देता है आपको रेटिंग टाइम देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। तो सेक्शन एक जो 64 मार्क्स का है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x+2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, यहाँ पर क्या करना है, इट इज 1 1 ऑन टू, नेदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या आर टू आर है, और आपको पता है साइन ये क्या है, पीरियडिक फंक्शन है। इट मीन्स ये 1 1 तो है नहीं और ऑन टू भी नहीं है। जब ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है तो अब आपके पास क्या बचता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज क्या है आपके पास 1 1, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2। ये बहुत ही पता है आपको, √2 है, माइनस का √2 π/4 की वैल्यू होती है, और वहाँ पर माइनस लगा गया है तो कहाँ पर चला जाएगा, ये 4th क्वाड्रेंट पर, और आंसर हो जाएगा इसका -π/4। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। ओके, यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या मिलता है, आपके पास डी ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इफ अ सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स एंड सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी इज। चलिए इसका हम एक और बता देते हैं। यहाँ पर एक आपको याद रखना होगा कि अगर ए पर m एलिमेंट हैं और b पर n एलिमेंट हैं, तो यहाँ 1 1 मैपिंग जो होती है वो m की वैल्यू अगर लेस देन n आती है तो 1 1 मैपिंग होती है एन सी एम इंटू फैक्टोरियल m। बट यहाँ पर क्या है, 1 1 ऑन टू की बात कर रहा है। अब देखिए, ऑन टू की अगर हम लोग बात करें, b में 6 एलिमेंट है और a में क्या है, 5 एलिमेंट्स है। 1 1 है ठीक हो सकता है, बट वहां पर जो 6 एलिमेंट होगा उसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, अब आपको यहां से ऑप्शन मिलेगा सी, मीन्स 0। ये सी ऑप्शन हो जाएगा 0। चलिए, सी ऑप्शन है आपके पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पेज नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, If alpha is less and equal to 2 sin inverse x plus cos inverse x less and equal to beta, then alpha and beta is। वैसे आपको पता है sin inverse x की जो वैल्यू है वो कहाँ पर है, आपको -1 से +1 के बीच में, यानी कि जो वैल्यू sin की होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। अब आप देखिए, 2 sin inverse x को आप लिख सकते हैं sin inverse x plus cos inverse x, और एक sin inverse x अलग कर दीजिए, तो sin inverse x plus cos inverse x equal to हो जाता है π/2। ठीक है, तो π/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाता है π/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स, वो आपको बनता है कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है कहाँ से, 0 से पाई के बीच चलाई करती है। बट इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा रखा है, मीन्स फर्स्ट ब्रेसेस जो लगे हुए हैं ये क्या है, आपको दिखाता है ओपन इंटरवल को, जबकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, हमारे पास क्या होनी चाहिए, अल्फा 0 और बीटा की वैल्यू पाई होनी चाहिए, मीन्स क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल होना चाहिए। इसलिए इसका हम ऑप्शन डी लेते हैं, नन ऑफ द एबव। ठीक है, नन ऑफ एबव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, देन द रिलेशन आर इन ए इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया जाएगा, ए कॉमा बी, ए सिस्टर ऑफ बी। अब जो आपका ए है वो क्या है, सेट किसका है, स्टूडेंट है कहाँ का, बॉयज स्कूल का। अब जब बॉयज स्कूल का है वहां पर सिस्टर पॉसिबल ही नहीं है, इट मीन्स दिस इज अ इम्प्टी रिलेशन। ओके, तो ऑप्शन सी ये होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी को आपको मार्क करना है, इसको नहीं मार्क करना है। ठीक है, क्लियर कर देते हैं ये। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ये तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, मीन्स इसका ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो यहाँ 7 पे आप क्या करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे, तो 1 माइनस लॉग बी बेस ए इंटू लॉग ए बेस बी ऐसा आएगा। अब आपको जो लॉग बी बेस ए है उसको आप लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ए, इंटू में हो जाएगा लॉग ए अपॉन लॉग बी, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर।
अगर इसका डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स आंसर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा अपना मेल आईडी आपके पास मिल जाएगा, या मुझे यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिए और अपना मेल आईडी सेंड कर दीजिए, मैं उसमें आपको सोल्यूशन डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ ऑप्शन टिक कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू ए सी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट बी इज इक्वल टू सी प्रोवाइडेड ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है, यहाँ ए को कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल करके बी इक्वल टू सी लिख रहा है, इट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब ए क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ओके, सो आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट, मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो एक कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ही कॉलम होगा, रो कितनी भी हो सकती है। मान लीजिए ए बी सी ये कॉलम में दिया हुआ है, जब इसको आप ट्रांसपोज कर देंगे तो ए बी सी रो में आ जाएगा, इट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, देन इट इज कन्वर्टेड इन टू रो मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ऑफ मैट्रिक्स ए इज। अब किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है वो वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए, इट मीन्स हमें यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड आउट करना होगा, तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस एंड ए बी एग्जिस्ट देन ए बी होल इनवर्स इज, डायरेक्टली आपको पता है ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो है ए बी सी, सेकेंड रो एक्स वाई जेड, थर्ड पे पी क्यू आर है, देन के ए के बी के सी। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड विद द स्केलर वैल्यू के देन द रिजल्ट विल बी के टाइम्स। अब एनी रो, यहाँ थ्री रोज है, थ्री रोज को ही क्या कर रहा है, के से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो के इन टू के इन टू के, इट मीन्स क्या आ जाएगा, के क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा के क्यूब डेल्टा, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, रिपीटिंग, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 13, सेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को, और अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे फ्यूचर में जो भी मैं लाइव क्लासेस लेता हूं उनमें आप आसानी से जुड़ पाएंगे और आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, इफ वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। देखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं है, तो यहाँ एक ऑप्शन दे रहा है 2t, बट ये पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें तो y t स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, लेकिन t खुद x प्लस 3 पर डिपेंडेंट है। होता क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में x और y अगर किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स x की वैल्यू अगर वो देता है t माइनस 3, तो इसका ऑप्शन 2t आता है। बट यहाँ पर क्या है, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो पहले हम t की वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। और उसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे डी वाई बाई डी एक्स का, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 इंटू कितना आ गया आपके पास, 2x प्लस 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, एफ एक्स द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिटर्मिनेंट मॉड एक्स इज डिफरेंसिबल इन। अब बताना है आपको क्या है, ये डिफरेंसिबल कहां पर होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार आपको बताया, मॉड एक्स को माइनस में रखेंगे, एक बार प्लस में रखेंगे, तो जब माइनस एक्स करेंगे तो आ जाएगा एक्स लेस देन जीरो, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर होगा व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। अब अगर प्लस एक्स रखते हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी एक्स इन टू प्लस एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इट मीन्स आपको एक और कंडीशन पता होनी चाहिए, द फंक्शन विच आर डिफरेंसिबल दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो पे, जीरो से आप लेस पे जाओगे तो लेस पे क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट, और राइट पे जाओगे तो प्लस इनफाइनाइट। इट मीन्स इट इज डिफरेंसिबल इन द फर्स्ट ए, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है, लेंथ दिए थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू गिवन है आपको, तो यहाँ से आप साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। अब पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई, अब कॉस इनवर्स वाई का साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब साइन साइन कैंसिल हो जाता है इनवर्स, तो एक्स इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर।
ओके आप लोग इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y dy by dx इक्वल टू 0। यहां से dy by dx की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई, इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, x 0 है तो 0.0 मींस क्या हो गया 0.0 की फॉर्म बन रही है। यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, मींस सेपरेट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो log 1 प्लस x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस x, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। फाइनली 1 अपॉन 1 प्लस x में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, और ये है 1। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द डिटरमिनेंट इक्वेशन। देखिए अगर आप यहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है, एक्सटेंशन करके डायरेक्टली सॉल्व करना है, बट मैं आपको यहां पर ऑप्शन बता देता हूं 3। एग्जैक्टली 3 क्यों, चलिए यहां मैं आपको बताऊं, यहां 3 रखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 3 0, सेकेंड 3 6 और फिर 3, फिर एक्सपेंशन कराएंगे तो आपको एक्सपेंशन कराने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी 54 माइनस 54, मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो जब 0 आ जाती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है बहुत, क्वेश्चन नंबर 18, एनी टेंजेंट टू द कर्व, क्वेश्चन 18 कहता है एनी टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x की पावर 7 प्लस 5x प्लस 3 is parallel to x-axis, is parallel to y-axis, makes an acute angle with the x-axis, makes an on obtuse angle with the y-axis. Okay, first, हमें क्या करना था, tangent के लिए आपको slope निकालनी होती है, slope होता है dy by dx at any point, तो dy by dx करेंगे, तो आपको मिलेगा dy by dx equal to 7, 3 या 21, x की power 6 plus 5, okay, it means यहाँ पर क्या है, for all real values of x, dy by dx की जो value है, वो कितनी है, आपके पास मिल रही है 21 x की पावर 6 प्लस 5, तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज dy by dx इज ग्रेटर देन 0, इट मींस ग्रेटर देन 0 का मतलब है इक्वल 0 है नहीं, तो ना तो पैरेलल x एक्सिस भी नहीं है, पैरेलल y एक्सिस भी नहीं है, देन द करेक्ट ऑप्शन, अब आपको पता है dy by dx की वैल्यू मोर देन 0 है, इट मींस पॉजिटिव है, तो tan थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इट मींस एक्यूट एंगल हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज मेक्स एन एक्यूट एंगल विद x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy by dx करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 आएगा, रीडिफरेंशिएट करेंगे तो 3 टू जा 6x माइनस 10, इट मींस 6x माइनस 10, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, हियर करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बहुत स्पीड से आपको लग रहा होगा बट इनका सोल्यूशन, अगर मैंने फिर बोला अगर आपको रिक्वायर्ड है डिटेल सोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं आपको आपके मेल आईडी पर सेंड कर दूंगा। व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यू नो ये 2 tan इनवर्स x के दोनों फॉर्मूले हैं, इट मींस अगर हम फर्स्ट को फर्स्ट क्या है 2 tan इनवर्स x है, सेकंड क्या है वो भी 2 tan इनवर्स x है, इट मींस हमें करना क्या है 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू 2 tan इनवर्स x, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ जाएगा 1, ऑप्शन बी। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आप आते हैं, ठीक है, रामू परचेज 5 पेंस 3 बैग्स एंड 1 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बॉक्स एंड पेड रुपीज 16 फ्रॉम द सेम शॉप, वेंकट परचेज 2 पेंस 1 बैग 3 इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्सेस एंड पेड रुपीज 19 वेल गोपी परचेज 1 पेन 2 बैग्स एंड 4 इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्सेस एंड पेड रुपीज 25 यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन देखना है, रिलेशन निकालना है एक्स वाई जेड के बीच में, फर्स्ट पार्ट में कहा है उसने इफ एक्स एंड वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली डिनोट्स द कॉस्ट ऑफ पेन बैग एंड इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन के लिए जाइए, पेन की कॉस्ट 1 की है एक्स रुपीज, 5 पेन्स 5x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 16, सेकेंड पे बनेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 19, थर्ड इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 25। ओके तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है 2x प्लस 3y, थर्ड देखते हैं
थर्ड आंसर x प्लस टू आई प्लस फोर जेड, यस x प्लस टू आई प्लस फोर जेड थर्ड भी करेक्ट है, मीन्स ऑल आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट में, इफ a इज इक्वल टू 531, उसका आपको वैल्यू दे दी मैट्रिसेस के फॉर्म में 213124, देन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इज, डिटरमिनेंट वैल्यू आपको निकालना आता है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी -22। डिटरमिनेंट वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस की 22। चलिए तो ऑप्शन हो गया आपके पास इसका ए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द, ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारे पास 21 ए। ओके फिर सेकेंड पार्ट में आ गए हम लोग, थर्ड पार्ट में आते हैं, थर्ड पार्ट है क्या, ओके थर्ड पार्ट इज ए इज इक्वल टू 531213124 एंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना आता होगा, a11 निकालेंगे -1 की पावर 1 प्लस 1, फिर क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे तो 4 माइनस 6, ठीक है, इस तरह से a11 a12 इन सब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जब फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको इस एडजॉइंट के साथ कंपेयर करा देंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, अब इक्वेशन आपको सॉल्व करना याद होगा, आपने किया होगा, x इक्वल टू होता था a इनवर्स b, ठीक है, तो यहाँ पर x y z हो जाएगा इक्वल टू a इनवर्स b, जो आपने एडजॉइंट निकाल रखा उसको डिटरमिनेंट वैल्यू आपने पहले निकाली थी उसे डिवाइड करेंगे, तो a इनवर्स b से जब निकालेंगे तो आई थिंक इसका ऑप्शन आएगा सी, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, आई थिंक सो, इसको आपको सॉल्व करना है, मैंने सॉल्व नहीं किया है, आप अपने इसको सॉल्व करके देखिए, नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 22 पहले इस टाइप की प्रॉब्लम आईएससी में नहीं आती थी, इसी बार से स्टार्ट हुआ है, अभी तक इस टाइप की प्रॉब्लम सीबीएसई में आती थी। चलिए देख लेते हैं, अ नॉर्मल विंडो इज कंस्ट्रक्टेड बाय एडजॉइनिंग अ सेमी सर्कल टू द टॉप ऑफ एन ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर विंडो एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओके एक्स वाई है, अब देखिए इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पोर्शन ऑफ विंडो इज वाई एंड एक्स रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, सो द फिगर एक्स आपको बेस पे दिखाया गया, वाई उधर दिखाया गया है, ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज, ओके तो यहाँ पर क्या है, देखिए पेरीमीटर पूरा दिया है उसका 10 मीटर, इट मीन्स एक्स प्लस टू वाई प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा कितना पाई आर, तो पाई एक्स बाई टू, क्योंकि एक्स आपका टोटल डायमीटर है तो रेडियस बचेगा x बाई टू, तो यहाँ से आपको आ जाएगा x प्लस टू वाई प्लस पाई एक्स बाई टू इज इक्वल टू 10, वाई को सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा 20 माइनस पाई प्लस टू इंटू एक्स बाई फोर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मिल गया आपको डी, ओके करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट इसका देता है, लेट ए बी द एरिया, लेट ए बी द एरिया ऑफ द नॉर्मल विंडो विच एडमिट्स द सनलाइट, देन ए इज एक्सप्रेस, ए एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स इज, अब ए को क्या करना है एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है, एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, तो एरिया इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई टू, मीन्स 1/2 पाई आर स्क्वायर, उसको करेंगे तो आर दिया एक्स बाई टू, तो आ जाएगा 1/2 पाई एक्स बाई टू का स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आएगा पहले 40x माइनस 4x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 8, अब 8 से आप डिवाइड कर दोगे तो 5x माइनस पाई बाई 8 एक्स स्क्वायर, ओके माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी करेक्ट ऑप्शन इज सी, ये करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए What will be the radius of the semicircle? आपको पता है मैक्सिमम में क्वेश्चन है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, वहां से जब डी ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी और उसका क्या करना रेडियस निकालना, मीन्स एक्स बाई टू, ठीक है रेडियस कितना था एक्स बाई टू, तो आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कितना, थर्ड पार्ट का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है करेक्ट ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेड बाय वाई विल बी इक्वल टू, मीन्स आपको क्या करना है, हम लोगों ने वाई की वैल्यू फर्स्ट में निकाली थी वो था 20 माइनस एक्स इंटू पाई प्लस टू अपॉन 4, अब वहां पर बेटा एक्स की वैल्यू आपको डालनी है, एक्स की वैल्यू जो हम लोगों ने अभी निकाली है कितनी 20 अपॉन पाई प्लस 4 जिससे रेडियस फाइंड आउट की थी वो यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा
10 अपॉन 4 प्लस पाई मींस इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द मैपिंग एफ सच दैट ए टू बी इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 सच दैट एफ एक्स इज 1 1 ऑन 2 बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओके, डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो डोमेन आपको पता है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, इट मींस एक्स माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स डज नॉट इक्वल टू 2, इट मींस इसका जो ऑप्शन है वो ए क्या है, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, तो आंसर ए इज करेक्ट। चलिए रेंज, रेंज के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो लिखा है उसको वायलेट करेंगे और एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। जब एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2y-1 अपॉन y-1, यहाँ पर क्या होगा y-1 does not equal to 0 करेंगे तो y does not equal to 1, it means इसका जो रेंज होगा all real number except 1, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 6 हो गया, पेज नंबर हम लोगों को जाना है 7 पे, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट। ओके, अभी थर्ड पार्ट है, इफ जी एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ एफ एक्स माइनस 1, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, माइनस 1 करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। फोर्थ पार्ट है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी 1 1 इफ, ये तो डायरेक्ट कंडीशन है, 1 1 तभी होता है जब एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 एंड एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2, दैट मीन्स द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेक्शन बी, अब आपको पता है एज पर आई सी रूल सेक्शन बी और सी में आपके पास ऑप्शन होता है, यू कैन अटेम्प्ट इधर सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो हम लोग यहां पर अभी सेक्शन बी डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन बी पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम इफ द वेक्टर 2i प्लस mj प्लस k कैप इज परपेंडिकुलर टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, if two vectors are perpendicular then their dot product is zero, it means a dot b equal to zero, अब क्या होता है बेटा, i dot i one होता है, j dot j one होता है, k dot k one होता है, but i dot j means i cap dot j cap that is zero, आपको पता है i j के orthogonal unit vectors होते हैं और इनके बीच में 90 degree का angle होता है, तो a dot b जब करते हैं different के साथ तो cos 90 zero हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए तो 2 into 2 4 हो जाएगा, m इंटू माइनस 1 करेंगे माइनस m आ जाएगा और इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया 4 प्लस 3, ठीक है, कितना हो गया 7 माइनस m, इट मीन्स m की वैल्यू कितनी हो गई 7, सो द करेक्ट ऑप्शन इज a, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया a, आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया, द वैल्यू ऑफ m इज 7। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, अब एंगल्स निकालने के लिए आपको पता है पहले हमें क्या करना होगा, इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, तो देखिए फर्स्ट माइनस एक्स प्लस टू है, इसको माइनस से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस टू अपॉन टू, ठीक है, दूसरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरी y माइनस वन अपॉन सेवन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जेड प्लस थ्री अपॉन माइनस थ्री वो भी ठीक है, सेकंड में चलते हैं तो x प्लस टू अपॉन माइनस वन ठीक है, अब सेकंड 2y माइनस एट है तो 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बचेगा y माइनस फोर अपॉन टू, फिर z माइनस फाइव अपॉन फोर, अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 से यहाँ जीरो आ रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन जा 2 माइनस 2 आ जाएगा, 7 2 जा 14 प्लस का 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12 माइनस का 12 हो जाएगा, मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो आ गया, अब आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जीरो आ गया, इट मीन्स एंगल बिटवीन द लाइन्स इज 90 डिग्री, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। ओके, आंसर 25 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 26, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स, तो टू पॉइंट्स का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो आपको पता है एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, तो 1 माइनस माइनस 2 इट मीन्स 1 प्लस 2 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 5 माइनस 2, माइनस से डिवाइड कर दें तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा बी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डी आरस आर माइनस 3, 2, 2, ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ओके, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 1 माइनस 1 0 एंड पैरेलल टू द लाइन x माइनस 1 अपॉन a 1 y प्लस 2 अपॉन माइनस 2 z प्लस 1 अपॉन माइनस 1,
लाइंस आर पैरेलल, इट मींस कि आपको पता है कि उनके डीआर का रेशियो इक्वल होता है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। इट मींस डीआर हमारे पास क्या होंगे, देखिए इन्हीं का डीआर होगा वन माइनस टू माइनस वन है, तो ये रिक्वायर्ड लाइन के भी डीआर उसी रेशियो में आएंगे। सो द रिक्वायर्ड लाइन इज एक्स माइनस वन अपॉन वन, एक्स और वाई प्लस वन अपॉन माइनस टू, ओके एक्स माइनस वन अपॉन वन दैट मीन्स द फर्स्ट, ओके वाई प्लस वन अपॉन माइनस टू, ठीक है, और जेड माइनस जीरो अपॉन माइनस वन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, हेयर करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओके ये दिस वन, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 फिर उसी टाइप का प्रॉब्लम है जैसे अभी हम लोग विंडो वाला क्वेश्चन किए थे, उसी टाइप से रिलेटेड है क्वेश्चन। द गिवन फिगर शोज एन एयर प्लांट होल्डर विच इज इन द शेप ऑफ टेट्राहेड्रॉन, लेट ए इज 111, बी इज 213, सी इज 322, डी इज 334 आर द वर्टिसेस ऑफ एयर प्लांट होल्डर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट निकालना बेटा द वेक्टर ऑफ ए बी इज, तो ए बी वेक्टर फाइंड आउट करने का होता है मेथड पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी क्या आएगा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3 कैप, जो आपको 213 दिया है आई जे के लगा दीजिए उनके साथ, माइनस अब 111 है माइनस आई कैप जे कैप के कैप। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2i में से i सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपको मिलेगा आई कैप और फिर 3 जे जे कैंसिल हो जाएगा और 3k कैप में से k कैप माइनस हो जाएगा, तो i प्लस 2k कैप, ओके i कैप प्लस 2k कैप मींस द करेक्ट ऑप्शन इज सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट पार्ट, चलिए द वेक्टर ऑफ ए सी सेम वही मेथड है पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें बी, करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो गया बी। नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है 1/2 वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड मींस ए बी इंटू ए सी, तो आपको क्या करना है ए बी इंटू ए सी का मॉड निकालना है तो और उसके बाद 1/2 कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका अंडर रूट 14/2 मींस द करेक्ट ऑप्शन इज ए बी ए सी। आपको पहले मिल गए हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा और इधर मैथ्स में पढ़ते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। फोर्थ पार्ट द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बी इज, यूनिट वेक्टर आपको पता है ए यूनिट इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, मीन्स यूनिट वेक्टर आपका ए बी का निकालना है तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए बी अपॉन मॉड वैल्यू ऑफ ए बी। अब मॉड वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी आपके पास आया था आई प्लस टू के, ए बी था आई प्लस टू के दिस वन सी, ठीक है तो वन का स्क्वायर वन, टू टू जो फोर वन फाइव, मीन्स स्क्वायर रूट फाइव में आ गया और हमारे पास ऑप्शन हो गया आई प्लस टू के अपॉन रूट फाइव, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी के, इस पार्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी है, अब मैं आपको सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और तब तक आप लोग इसको सॉल्व करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं। थैंक यू ऑल।